दरियाई घोड़ा हिप्पोपोटामस एम्फीबियस, जिसे सामान्य दरियाई घोड़ा, नील दरियाई घोड़ा या नदी दरियाई घोड़ा कहा जाता है, यह सहारा अफ्रीका का एक बड़ा अर्धजलीय स्तनपाई है। यह हिप्पोपोटामिडे परिवार की केवल दो मौजूदा प्रजातियों में से एक है। अन्य पिग्मी दरियाई घोड़ा चोएरोप्सिस लिब्रियेंसिस या हेक्साप्रोटोडोन लिब्रियेंसिस है। हाथियों और गैंडों के बाद दरियाई घोड़ा अगला सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपाई है। यह सबसे बड़ा विद्यमान स्थलीय आर्टियोडैक्टाइल भी है। सुअरों और अन्य स्थलीय समोंगलियों वाले खुर वाले जीवों से उनकी शारीरिक समानता के बावजूद दरियाई घोड़ों के सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार सीतासियन, व्हेल, डॉल्फिन, पोरपॉइस आदि हैं, जिनसे वे लगभग 55 मिलियन वर्ष पहले अलग हो गए थे। दरियाई घोड़े अपने बैरल के आकार के धड़, बड़े श्वान दांतों के साथ चौड़े मुंह, लगभग बाल रहित शरीर, खंभे जैसे पैरों और बड़े आकार के लिए पहचाने जाते हैं। वयस्कों में नर का औसत वजन 1500 किलोग्राम और मादा का वजन 1300 किलोग्राम होता है। दरियाई घोड़े नदियों, झीलों और मैंग्रोव दलदलों में रहते हैं। प्रादेशिक नर प्रत्येक पानी के एक हिस्से और 5 से 30 मादा और बछड़ों के समूह पर शासन करते हैं। संभोग और जन्म दोनों पानी में होते हैं। दिन के दौरान दरियाई घोड़े पानी या कीचड़ में रहकर ठंडा रहते हैं। शाम को घास चरने के लिए बाहर निकलते हैं। जबकि दरियाई घोड़े पानी में एक दूसरे के पास आराम करते हैं। चरना एक एकांत गतिविधि है और दरियाई घोड़े आमतौर पर जमीन पर क्षेत्रीय व्यवहार नहीं दिखाते हैं। दरियाई घोड़े अपने आक्रामक और अप्रत्याशित स्वभाव के कारण दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से हैं। वे निवास स्थान के नुकसान और उनके मांस और हाथी दांत के लिए अवैध शिकार से खतरे में हैं। आधुनिक दरियाई घोड़ा और पिग्मी दरियाई घोड़ा हिप्पोपोटामिडे परिवार के एकमात्र जीवित सदस्य हैं। कुछ वर्गीकरण वैज्ञानिक दरियाई घोड़ों और एंथ्राकोथेरेस को एंथ्राकोथेरोइडिया सुपरफैमिली में रखते हैं। हिप्पोपोटामिडे को आर्टियोडैक्टाइला क्रम में अन्य समोंगलियों वाले खुर वाले जानवरों के साथ वर्गीकृत किया गया है। हिप्पो की 5 उपप्रजातियों का वर्णन उनकी खोपड़ियों में रूपात्मक अंतर के साथ साथ भौगोलिक सीमा में अंतर के आधार पर किया गया है। 1909 तक प्रकृतिवादियों ने दाढ़ के पैटर्न के आधार पर दरियाई घोड़ों को सुअरों के साथ वर्गीकृत किया। कई साक्ष्य पहले रक्त प्रोटीन से, फिर आणविक प्रणाली विज्ञान से, डीएनए और जीवाश्म रिकॉर्ड से पता चलता है कि उनके सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार सीतासियन, व्हेल, डॉल्फिन और पोरपॉइस हैं। दरियाई घोड़ों और व्हेल के सामान्य पूर्वज रुमिनेंटिया और बाकी संपैर वाले खुर वाले जानवरों से अलग हुए। इसके तुरंत बाद सीतासियन और दरियाई घोड़े की वंशावली अलग हो गई। होलोसीन के दौरान मेडागास्कर में मालागासी दरियाई घोड़े की 3 प्रजातियां विलुप्त हो गईं। इनमें से आखिरी प्रजाति पिछले 1000 वर्षों में विलुप्त हुई। मालागासी दरियाई घोड़े आधुनिक दरियाई घोड़े से छोटे थे, जो संभवतः द्वीपीय बौनेपन की प्रक्रिया का परिणाम था। जीवाश्म साक्ष्य संकेत देते हैं कि कई मालागासी दरियाई घोड़ों का मनुष्यों द्वारा शिकार किया गया था, जो उनके अंतिम विलुप्त होने का एक कारक था। अलग अलग मालागासी दरियाई घोड़े दूरदराज के इलाकों में जीवित रह सकते हैं। 1976 में ग्रामीणों ने किलोपिलोपिटसोफी नामक एक जीवित जानवर का वर्णन किया, जो शायद मालागासी दरियाई घोड़ा रहा होगा। अफ्रीका और पश्चिम एशिया के प्रारंभिक प्लेस्टोसिन, मध्य प्लेस्टोसिन से हिप्पोपोटामस गोरगोप्स जीवित हिप्पोपोटामस की तुलना में काफी बड़े होते थे, जिनका अनुमानित शरीर द्रव्यमान 4000 किलोग्राम से अधिक था। हिप्पोपोटामस एंटिकस पूरे यूरोप में पाया जाता था, जो प्रारंभिक और मध्य प्लेस्टोसिन युगों के दौरान ब्रिटेन के उत्तर तक फैला हुआ था। दरियाई घोड़ा एक महाशाकाहारी जानवर है और ज़मीनी जानवरों में इसका आकार सिर्फ हाथियों और कुछ गैंडों की प्रजातियों से ज्यादा है।
नर दरियाई घोड़े अपने पूरे जीवन में बढ़ते रहते हैं, जबकि मादाएं 25 वर्ष की आयु में अधिकतम वजन तक पहुंचती हैं। दरियाई घोड़ों के शरीर में बैरल के आकार की छोटी पूंछ और पैर होते हैं और एक लंबी थूथन के साथ एक घंटे के आकार की खोपड़ी होती है। उनकी कंकाल संरचनाएं ग्रेविपोर्टल हैं, जो उनके भारी वजन को ले जाने के लिए अनुकूलित हैं, और उनकी घनी हड्डियां और गुरुत्वाकर्षण का कम केंद्र उन्हें पानी के तल पर डूबने और आगे बढ़ने की अनुमति देता है। दरियाई घोड़ों के पैर छोटे होते हैं, क्योंकि जिस पानी में वे रहते हैं वह वजन का बोझ कम करता है। पैर की उंगलियां झिल्लीदार होती हैं। दरियाई घोड़े का जबड़ा विशाल मैसेटर और डिगैस्ट्रिक मांसपेशियों द्वारा संचालित होता है, जो उन्हें बड़े लटके हुए गाल देते हैं। जबड़े का जोर पशु को अपना मुंह लगभग 180 डिग्री तक खोलने की अनुमति देता है। एक मुड़ी हुई और बिक्युलेरिस ओरिस मांसपेशी दरियाई घोड़े को किसी भी ऊतक को फाड़े बिना एक चरम मुंह खोलने की अनुमति देती है। दरियाई घोड़े की त्वचा उसके पूरे शरीर पर 6 सेंटीमीटर मोटी होती है और उस पर बहुत कम बाल होते हैं। एक दरियाई घोड़े का जीवन काल आमतौर पर 40 से 50 साल होता है। डोना द हिप्पो कैद में रहने वाले सबसे पुराने दरियाई घोड़ों में से एक थी। वह अमेरिका के इवांसविले, इंडियाना के मेस्कर पार्क चिड़ियाघर में रहती थी। 2012 में 61 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु होने तक। अब तक दर्ज की गई सबसे पुरानी दरियाई घोड़े को बर्था कहा जाता था। वह 1959 में पहली बार खुलने के बाद से फिलीपींस के मनीला चिड़ियाघर में रहती थी। जब 2017 में उसकी मृत्यु हुई, तब उसकी उम्र 65 वर्ष होने का अनुमान लगाया गया था। कैद में रहने वाला सबसे पुराना जीवित दरियाई घोड़ा एली शिलर होमोसेसा स्प्रिंग्स वन्यजीव राज्य पार्क से लू द हिप्पो है। 2024 तक वह 64 वर्ष का है। हिप्पोपोटामस एम्फीबियस लगभग 4,60,000 साल पहले मध्य प्लीस्टोसीन के दौरान यूरोप में आया था। प्लीस्टोसीन के दौरान यूरोप में हिप्पोपोटामस एम्फीबियस का वितरण बड़े पैमाने पर दक्षिणी यूरोप तक सीमित था, जिसमें इबेरियन प्रायद्वीप, इटली और ग्रीस शामिल थे। लेकिन इंटरग्लेशियल अवधि के दौरान ग्रेट ब्रिटेन, उत्तर में नॉर्थ यॉर्कशायर तक, नीदरलैंड और पश्चिमी जर्मनी सहित उत्तर पश्चिमी यूरोप में विस्तारित हुआ, जैसे कि अंतिम इंटरग्लेशियल 1,15,000 साल पहले। यूरोप में प्रजातियों के सबसे युवा रिकॉर्ड ग्रीस के लेट प्लीस्टोसीन से हैं, जो लगभग 30,000 साल पहले के हैं। लेवंत में इसकी उपस्थिति के पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद हैं, जो 3,000 साल से भी कम पुराने हैं। प्राचीन काल में यह प्रजाति मिस्र के नील क्षेत्र में आम थी, लेकिन तब से इसे बाहर निकाल दिया गया है। आनुवंशिक साक्ष्य बताते हैं कि अफ्रीका में आम दरियाई घोड़ों ने प्लेस्टोसिन के दौरान या उसके बाद एक उल्लेखनीय जनसंख्या विस्तार का अनुभव किया, जिसका श्रेय युग के अंत में जल निकायों में वृद्धि को दिया जाता है। 2017 तक अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा तैयार की गई IUCN रेड लिस्ट में इस प्रजाति को संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जिसकी अनुमानित स्थिर आबादी 1,15,000 और 1,30,000 जानवरों के बीच है। 2005 तक विरुंगा राष्ट्रीय उद्यान में जनसंख्या 1970 के दशक के मध्य में लगभग 29,000 से घटकर 800 या 900 हो गई थी। 2016 तक विरुंगा हिप्पो की आबादी फिर से बढ़ गई है, संभवतः पार्क रेंजरों से बेहतर सुरक्षा के कारण, जिन्होंने स्थानीय मछुआरों के साथ मिलकर काम किया है। कोलंबिया में दरियाई घोड़ों की एक आबादी मौजूद है, जो 1993 में पाब्लो एस्कोबार की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति से भागे बंदी दरियाई घोड़ों के वंशज हैं। 2020 तक उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई और पारिस्थितिकी विदों का मानना है कि आबादी को खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे तेजी से प्रजनन कर रहे हैं और मनुष्यों और पर्यावरण के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा हैं।
उन्हें नियंत्रित करने के प्रयासों में नसबंदी और वध शामिल हैं। दरियाई घोड़े अर्धजलीय होते हैं और घास के करीब रहने के दौरान उन्हें डूबने के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। वे ज्यादातर मीठे पानी के आवास में रहते हैं, लेकिन मुहाने में पाए जा सकते हैं। दरियाई घोड़े दिन का अधिकांश समय ठंडा और हाइड्रेटेड रहने के लिए पानी में बिताते हैं। रात शुरू होने से ठीक पहले वे जमीन पर चारा तलाशने के लिए पानी छोड़ देते हैं। अर्धजलीय होने के बावजूद एक वयस्क दरियाई घोड़ा विशेष रूप से अच्छा तैराक नहीं होता है, नहीं यह तैर सकता है। यह शायद ही कभी गहरे पानी में प्रवेश करता है। जब यह करता है तो जानवर नीचे से उछलकर चलता है। एक वयस्क दरियाई घोड़ा हर 4 से 6 मिनट में सतह पर आता है, जबकि युवा दरियाई घोड़े को हर 2 से 3 मिनट में सांस लेने की जरूरत होती है। अपने आकार और भोजन के लिए एक ही रास्ता अपनाने की आदत के कारण दरियाई घोड़े जिस जमीन पर चलते हैं उस पर उनका महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, जिससे जमीन वनस्पति से साफ रहती है और जमीन दब जाती है। लंबे समय तक दरियाई घोड़े दलदलों और चैनलों के रास्तों को मोड़ सकते हैं। पानी में शौच करने से जानवर अपने पेट से रोगाणुओं को भी पास करते दिखते हैं, जिससे जैव रासायनिक चक्र प्रभावित होता है। दरियाई घोड़े गंदगी फैलाने में संलग्न होते हैं, जिसमें मल त्याग करते समय अपनी पूंछ को घुमाकर मल को अधिक क्षेत्र में फैलाना शामिल होता है। गंदगी फैलाना भूमि और पानी दोनों पर होता है और इसका कार्य अच्छी तरह से समझा नहीं गया है। यह एक क्षेत्रीय कार्य की सेवा करने की संभावना नहीं है, क्योंकि जानवर केवल पानी में ही क्षेत्र स्थापित करते हैं। उन्हें पानी और चराई क्षेत्रों के बीच पगडंडी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे आम दरियाई घोड़े की आवाज व्हीज हॉर्न है, जो हवा में लंबी दूरी तक जा सकती है। यह कॉल एक ऊंची आवाज के साथ शुरू होती है, जिसके बाद एक गहरी गूंजती हुई कॉल होती है। जानवर दूसरे व्यक्तियों की कॉल को पहचान सकते हैं। दरियाई घोड़े अजनबियों की घरघराहट की आवाज पर उन लोगों की तुलना में अधिक प्रतिक्रिया करते हैं जिनसे वे अधिक परिचित हैं। मादा 5 से 6 साल की उम्र में यौन परिपक्वता तक पहुंचती हैं और उनकी गर्भधारण अवधि 8 महीने की होती है। अंतःस्रावी तंत्र के एक अध्ययन से पता चला है कि मादा 3 या 4 साल की उम्र में ही यौवन शुरू कर सकती हैं। नर लगभग 7.5 वर्ष में परिपक्वता तक पहुंचते हैं। गीले मौसम में गर्भाधान और जन्म दोनों सबसे अधिक होते हैं। नर दरियाई घोड़ों में हमेशा गतिशील शुक्राणु होते हैं और वे साल भर प्रजनन कर सकते हैं। गर्भवती होने के बाद एक मादा दरियाई घोड़ा आमतौर पर 17 महीनों तक फिर से ओव्यूलेशन शुरू नहीं करेगी। दरियाई घोड़े पानी में संभोग करते हैं, मादा सतह के नीचे रहती है, बछड़े जमीन या उथले पानी में पैदा होते हैं, जिनका वजन औसतन 50 किलोग्राम होता है और उनकी औसत लंबाई लगभग 127 सेंटीमीटर होती है। स्तनपान करते समय मादा अपनी तरफ से लेटी रहती है, जो पानी के नीचे या जमीन पर हो सकता है। बच्चों को उनकी माँ अपनी पीठ पर गहरे पानी में ले जाती हैं। माँ दरियाई घोड़े अपने बच्चों की बहुत रक्षा करती हैं और दूसरों को उनके बहुत करीब नहीं आने देती। एक मादा को बछड़े के मरने के बाद उसके शव की रक्षा करते हुए रिकॉर्ड किया गया था। दरियाई घोड़े अपने आवास में कई बड़े शिकारियों के साथ रहते हैं। नील मगरमच्छ, शेर और चित्तीदार लकड़बग्घे युवा दरियाई घोड़ों का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। इनके अलावा वयस्क दरियाई घोड़ों को आमतौर पर उनके आक्रामकता और आकार के कारण अन्य जानवरों द्वारा शिकार नहीं किया जाता है। ऐसे मामले सामने आए हैं जहां बड़े शेरों के झुंड ने वयस्क दरियाई घोड़ों का सफलतापूर्वक शिकार किया है, लेकिन यह आमतौर पर दुर्लभ है।
दरियाई घोड़े कभी कभी मछलियों की कुछ प्रजातियों द्वारा परजीवियों से मुक्त होने के लिए सफाई स्टेशनों पर जाते हैं। वे अपना मुंह चौड़ा करके इस सेवा के लिए अपनी तत्परता का संकेत देते हैं। यह पारस्परिकता का एक उदाहरण है जिसमें दरियाई घोड़े को सफाई से लाभ होता है जबकि मछली को भोजन प्राप्त होता है। दरियाई घोड़े के शौच से नदी के तल के किनारे कार्बनिक पदार्थों के एलोचथोनस जमा होते हैं। इन जमावों का एक अस्पष्ट पारिस्थितिक कार्य है। 2015 के एक अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि दरियाई घोड़े का गोबर मछली और जलीय अकशेरुकी के लिए स्थलीय सामग्री से पोषक तत्व प्रदान करता है, जबकि 2018 के एक अध्ययन में पाया गया कि जल निकायों में घुलित ऑक्सीजन के अवशोषण के कारण उनका गोबर बड़ी मात्रा में जलीय जीवन के लिए जहरीला हो सकता है। दरियाई घोड़े को बहुत आक्रामक माना जाता है और अक्सर नावों पर हमला करने और उन पर हमला करने की खबरें आती रही हैं। छोटी नावों को दरियाई घोड़े आसानी से पलट सकते हैं और यात्री जानवरों के कारण घायल या मारे जा सकते हैं या पानी में डूब सकते हैं। नाइजर में 2014 में एक मामले में एक दरियाई घोड़े ने नाव पलट दी थी और 13 लोग मारे गए थे। अगर मौका मिलता है तो दरियाई घोड़े अक्सर खेतों की फसलों पर हमला कर देते हैं और इन मौकों पर इंसानों का उनसे टकराव भी हो सकता है। ये मुठभेड़े इंसानों या दरियाई घोड़ों के लिए घातक हो सकती हैं। दरियाई घोड़े लंबे समय से लोकप्रिय चिड़ियाघर जानवर रहे हैं। प्रदर्शन के लिए कैद में लिए गए दरियाई घोड़ों का पहला रिकॉर्ड 3500 ईसा पूर्व हिराकोनपोलिस मिस्र में पाया जाता है। मिस्र की पौराणिक कथाओं में भगवान सेठ लाल दरियाई घोड़े का रूप लेता है और भूमि पर नियंत्रण के लिए होरस से लड़ता है लेकिन हार जाता है। दरियाई घोड़े कई अफ्रीकी लोक कथाओं के विषय रहे हैं। पुनर्जागरण और बारोक काल के दौरान यूरोपीय कला में दरियाई घोड़ों को शायद ही कभी चित्रित किया गया था क्योंकि यूरोपीय लोगों के पास नमूनों तक कम पहुंच थी। हिप्पो के बारे में सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक है द हिप्पोपोटामस टीएस एलियट द्वारा, जहां वह कैथोलिक चर्च का प्रतिनिधित्व करने के लिए जानवर का उपयोग करता है। हिप्पो का उल्लेख क्रिसमस के नए गीत आई वांट ए हिप्पोपोटामस फॉर क्रिसमस में किया गया है जो 1953 में बाल कलाकार गेला पीवे के लिए एक हिट बन गया। वे फ्लैंडर्स और स्वान द्वारा लोकप्रिय द हिप्पोपोटामस सॉन्ग में भी शामिल थे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।